मम्मा इतनी ज्यादा शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा रमजान आ रहा है, इसीलिए इतनी सारी शॉपिंग कर रहे हैं। आ जाओ आगे चलते हैं, बहुत सारा सामान लेना है। मामा ऑयल ले ले। हाँ आप सही कह रहे हो, ऑयल तो बहुत ज्यादा यूज होगा इसलिए ज्यादा ऑयल लेते हैं। आई थिंक इतना काफी होगा, है ना? चलो आओ। मामा आपको पता है वैसे मैं समोसे भी खाता और रोल भी खाता हूँ। और इस बार मैं आपके लिए सब कुछ बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ अब्दुल रहमान। मम्मा विंटो ले लो, मैं बहुत पीता हूँ। हाँ ये तो बहुत जरूरी है, स्पेशल भी है ना? हाँ जी। ठीक है आओ चलते हैं। और क्या लेना बताओ, मैं आज आपके लिए सब कुछ लूंगी। मैं सारे स्नैक्स ले ले। अच्छा चलो मैं लेके देती हूँ आपको, ये सारे ले लूँ एक एक? चलो अब्दुल रहमान ने कहा है तो फिर ठीक है। अब चले और बताओ और क्या लेना है आपको? बाबा ये बिस्किट ले लेते हैं। ये बिस्किट तो बहुत महंगे हैं, रहने दो आ जाओ, बहुत महंगी चीजें हैं। महंगी प्राइस है। चलो सब कुछ इतना महंगा है, कोई खरीदे भी तो क्या खरीदे, कुछ सस्ता मिलता ही नहीं है। अब हर चीज इतनी महंगी है, तोबा तोबा, बंदा जाए तो जाए कहां पे, आग लगी हुई है चीजों। आ जाओ आओ मर्दा, इधर से मुड़ते हैं, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं लेना। चलो बाबा ये केचप ले ले। दिखाओ। नहीं बेटा नहीं, बहुत ज्यादा महंगी है, रहने दो आ जाओ छोड़ो। बाबा आप तो कुछ ले नहीं रहे, आप तो बस चलते जा रहे हैं। मेरी बेटी मैं क्या करूं, यहाँ पे हर चीज इतनी महंगी है, मैं देख तो रहा हूँ बेटा, कुछ समझ में आएगी तो ले लेंगे। ओके बाबा जल्दी करें प्लीज। चलाओ बेटा देखते हैं कुछ लेते हैं फिर, आ जाओ अभी कुछ लेके जाएंगे, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। बहुत ज्यादा, चलो बेटा यहाँ से चलते हैं आ जाओ। मामा केचप ले ले। ओ केचप तो बड़ी जरूरी है क्योंकि अब्दुल रहमान बहुत खाता है ना। चलो ये टू रख लो अंदर। ओके ओके आ जाओ। वैसे मामा इतनी सारी चीजें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों रमजान आ रहा है और रमजान में आपको पता है हमारे घर में गेस्ट भी बहुत सारे आते हैं, इसीलिए ज्यादा चीजें ले रहे हैं। चलो अब्दुल रहमान बहुत सारी शॉपिंग कर ली, अब ऐसा करते हैं ये सामान देते हैं डिलीवरी के लिए और चलते हैं घर, ठीक है? आ जाओ थक गए हैं। बाबा बाबा क्या बात है, हम लोग इतनी देर लगाते रहे लेकिन हमने कुछ लिया ही नहीं। मरवा बेटा मैं क्या करूं, इतनी महंगी चीजें थी, आपके सामने की बात है। आपने मेरे भी कोई चीज नहीं ली। अच्छा मेरी बेटी आओ एक जगह बैठ के बात करते हैं, चलो आओ बैठते हैं, आओ फिर बात करते हैं, आ जाओ। आओ मेरी बेटी इधर आओ, इधर बैठो और बताओ मुझे क्या बात है, बताओ मुझे। बाबा आपने इतना टाइम लगाया सुपरमार्केट में और एक भी चीज नहीं ली, मैं आपको कहती जा रही थी कि समोसा ले ले, रोल ले ले, कल रमजान है हम क्या खाएंगे।
हमने एक भी चीज नहीं ली। मेरी बेटी अब मैं आपको क्या बताऊं? मार्केट में हर चीज इतनी महंगी हो गई है, रमजान शुरू होता है नहीं, हर चीज की प्राइस डबल हो जाती है बेटा। इतनी मेरी सैलरी नहीं है जितना पूरे महीने का राशन आता है बेटा। बाबा जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बेटी इस वक्त जो महंगाई चल रही है ना, हम गरीबों की समझ में तो बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इस बार हमारा रमजान पहले जैसा नहीं होगा। इसका मतलब इस बार रमजान में कुछ नहीं बनेगा? नहीं बेटा, बस कुछ होगा तो सादा खाना खा के रोज़ा खोल लेंगे, और जिस दिन खाना भी नहीं होगा उस दिन खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। चलो फिर आप इधर बैठो, मैं अभी से जाके खजूरें लेके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं, ठीक है? ओके। मामा हमारा सामान किधर गया है? बेटा हमारा सारा सामान अंकल घर पे डिलीवर कर देंगे, आ जाओ हम बस आराम से घर जाएंगे। अब क्या हुआ, आप सैड क्यों हो? आप तो खुश होने चाहिए, आजकल तो रमजान है। इसमें खुश होने की कौन सी बात है, रमजान में तो इतना मजा, सबकी मम्मा मजे मजे की चीजें बनाती है, आपकी भी बनाएगी। सब मास भी पड़ता है, रोजा भी रखता है हर दफा। हर सबकी मम्मा कोई मजे मजे की चीजें नहीं बना सकती, और सबके लिए रमजान इतना अच्छा नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि गरीब लोगों का रमजान एंड अमीर लोगों का रमजान दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारे पास इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती जैसे आपके पास होती है। अब आप यहाँ से जाओ, मुझे तंग ना करो। क्या हुआ अब्दुलरहमान? मामा आप मुझे एक बात बताएं। जी अब्दुलरहमान, क्या बात है? क्या गरीब का रमजान और अमीर का रमजान दोनों अलग होते हैं? जी बेटा, गरीबों का रमजान और अमीरों का रमजान अलग अलग होता है। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस तरह के मौके पर बहुत सारा खर्च कर सके। तो हम गरीब की मदद नहीं कर सकते? वैसे भी हमारे पास बहुत सारे मनी होते हैं, उनके पास नहीं होते। हम उनको चीजें लेके दे सकते हैं ना? माँ आए। किधर अब्दुलरहमान? हमें कुछ और चीजें लेनी है मामा। सिस्टर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया? ये लो आपने घर का सामान। घर का सामान वो क्यों? क्योंकि रमजान है ना, आपके चीजें लेकर आया हूँ। मेरी तरफ से ये आपका गिफ्ट है। गिफ्ट? आपको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक एंड थैंक यू भाई। चलो मरवा, खजूरे तो मिली नहीं, अब घर चलते हैं। ये क्या है? वाह, ये इतना बड़ा बैग कहाँ से आया? बाबा एक बच्चा आया था, उसने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, रमजान के गिफ्ट। अरे वाह मरवा, इसमें तो घर का बहुत सारा राशन है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हर हाल में हमारा साथ दिया। चलो मरवा आ जाओ, अब घर चलते हैं, ठीक है?